हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं और उसमें मैं आपको करवा रही थी स्टैटिक जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस विविध प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और इससे पहले कई सारी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं स्टैटिक जीके की। टॉपिक वाइज भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, पढ़ाया भी हुआ है, और अब हमारे क्या चल रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस चल रहे हैं। और कल से आपकी स्टार्ट होने वाली है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो बिल्कुल भी ना भूलें उन्हें देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को हम। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में आपको मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया था। एसएससी सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है दोस्तों। बताएंगे किस वर्ष यूनेस्को ने योग को, आपके जो योगा होता है, मेडिटेशन जो आप सुबह सुबह करते हो, करना चाहिए, अच्छी बात होती है ना, उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया था। बताएंगे कि किस वर्ष किया था, 2014 में किया, 2016, 2018 या 2015 में किया था। कब किया था, तो 2016 में योग को, मेडिटेशन को आपके यूनेस्को ने अपने योग की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया था, ठीक है। मद्रास प्रांत से भाषाई आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश राज्य कब गठित किया गया था। आप सभी को पता होगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है साथियों, बताएंगे भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना, आपका बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सी भाषा है, तेलुगु, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका बना आंध्र प्रदेश, वो किस सन में बना, 1950, 1952, 1956 या 1947। 1947 को तो हमारा क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, है ना। 1952 को क्या बना, आपका पहला राज्य बना, पहला राज्य आपका बना कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या याद रखेंगे, आपका 1952 में भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था। कौन सा पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, आपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, गुरु द्रोणाचार्य है ना, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ये दिया जाता है, ठीक है। अब आप समझो, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, अब ये किसको दिया जाता है, ये गुरु को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये खेल में जो कोच होते हैं, किसको दिया जाता है, ये कोचों को दिया जाता है, ठीक है। उनके यहाँ से अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी उनके यहाँ से निकलते हैं, तो क्या होता है, उनको ये अवार्ड मिलता है, कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसकी पुरस्कार राशि, मतलब पुरस्कार ये कब स्थापित किया गया, 1978 में किया गया, 1985 में किया गया, 1997, 1991 में, कब किया गया था, 1985 में इसकी स्थापना हुई, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार नाम रखा गया और 1985 में स्थापना हुई, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार
खाली स्थान में किया गया था? क्या वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार खाली स्थान में किया गया था? कब किया गया था? 1985, 1989 या 1987 या 1982 में? कब किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब? जब आप यूट्यूब पे नहीं, आप गूगल वगैरह पे सर्च करते हो, कोई लिंक रहती है, वो कैसे रखी रहती है? www.com, फिर आगे जो भी रहता है, ठीक है? अब बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया था? 1989 में, 1989 में इसका आविष्कार किया गया, www का, ठीक है? अंग्रेजी वैज्ञानिक बर्सन ली, अंग्रेजी वैज्ञानिक बर्सन टिम टिम बर्सन ली ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? वही व्हाट्सएप जिस पे आप दिन रात लगे रहते हो, है ना? तो बताएंगे एसएससी सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है, और बताएंगे ये कब इसकी स्थापना की गई थी, 2008, 2007, 2009 या 2010 में की गई थी? कब की गई थी बताएंगे, इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, ठीक है? कब की गई थी? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी व्हाट्सएप की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में से एक है, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है? ये आपके जो साहित्य पुरस्कार होते हैं उनमें से सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है? एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, बताएंगे 1972, 1961 या फिर 1957 या 1969 में कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई वो हुई 1961 में। किसके द्वारा हुई? साहू जैन परिवार द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? बताएंगे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, आशुतोष मुखोपाध्याय या फिर महेंद्र लाल सरकार या फिर जगदीश चंद्र बोस या फिर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, किसने की थी इनकी स्थापना? संस्थापक कौन थे आपके? महेंद्र लाल सरकार, ठीक है? महेंद्र लाल सरकार। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम आपने सुना होगा, बताएंगे किसने की थी इसकी स्थापना? सीजीएल का क्वेश्चन है, बताएं आशीष कुमार चौहान, प्रेमचंद्र रॉयचंद या फिर विक्रमजीत सेन या फिर रायचंद्र दीपचंद, किसने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना? किसने की थी आपके?
प्रेमचंद्र रॉयचंद्र, इन्होंने ब्रोकिंग स्टॉक से खूब सारी उस टाइम पे बहुत कमाई की थी, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉटन किंग। इनको बोला जाता है कॉटन किंग, कॉटन किंग इनको बोला जाता है, या आपको बुलियन किंग बोला जाता है, बुलियन किंग, या फिर इनको बोला जाता है बिग बुल, बिग बुल, ठीक है। अगर पूछा जाए बिग बुल किसको कहते हैं या फिर कॉटन किंग, बुलियन किंग, आप किसको बताओगे? प्रेमचंद्र रॉयचंद को, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक हैं, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये उस टाइम पे बहुत चलता था जब इंस्टाग्राम नहीं था, अब भी बहुत लोग चलाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत चलाते हैं, है ना। तो बताएंगे कि इसके संस्थापक कौन है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, या फिर ब्रायन एक्टन, या जिमी बेल्स, या फिर लैरी पेज, कौन है बताएंगे? आंसर इज मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक के संस्थापक है, ठीक है। गांधी जयंती 2014, गांधी जयंती कब पड़ती है? आपके 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पड़ती है। तो 2014 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में? बताएंगे स्वच्छ भारत अभियान, या फिर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, या फिर महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, या फिर गांधी शिल्प बाजार, क्या किया था उन्होंने? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, आपने देखा होगा गांधी जी का ऐसा ऐनक बना हुआ है, और ऐनक बना हुआ है यहाँ पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत देखा होगा, सही बना नहीं है वो, ठीक है। आपका स्वच्छ भारत लिखा होगा, आपने देखा है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, ठीक है, चश्मा नहीं लग रहा लेकिन जी। भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताएंगे कहाँ पर स्थापित किया गया था पहला कारखाना? SSC CHSL का क्वेश्चन है, बताएंगे दुर्गापुर, जबलपुर, या फिर जमशेदपुर, या फिर हीरापुर, क्या आंसर होगा आपका? हीरापुर, क्या आंसर होगा? हीरापुर, ठीक है, हीरापुर, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? एक भव्य बहुत बड़ा दरवाजा है, क्या है? भव्य बहुत ही विशाल दरवाजा है ये, रूमी दरवाजा है ना, कैसा है? विशाल दरवाजा है, कैसा है? विशाल, बड़ा, विशाल, या फिर भव्य कह लो, या फिर बड़ा दरवाजा कह लो, ठीक है। ये कैसा दरवाजा है? रूमी दरवाजा, बड़ा दरवाजा है, बताएंगे कहाँ है? CHSL का क्वेश्चन है, लखनऊ, ग्वालियर, आगरा और भोपाल, कहाँ पर है ये? आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में ही ये 1784 में, 1784 में इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था नवाब, नवाब आसफ उद्दौला, उद्दौला, ऐसे ऐसे नाम रखे हैं इन्होंने, है ना, इन्होंने बनवाया था, ठीक है। याद रखिए कि 1784 में लखनऊ में रूमी दरवाजे के निर्माण किसने कराया था? नवाब आसफ उद दौला ने कराया था, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, बताएंगे। CHSL का क्वेश्चन, CRISIL या फिर आइसरा इकरा, RBI या फिर CAR केयर, कौन सी नहीं है बताएंगे। आपकी RBI क्या आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लग रही है, नहीं लग रही, क्या है ये? बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का क्वेश्चन आपसे आ जाए तो झिझक न मत। बैंकों का बैंक कौन सा? केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, है ना, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर? बॉम्बे या मुंबई? चलिए, पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुना होगा बचपन में ये कहानी, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने सुनी ना हो। खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो सुनी जरूर होगी आपने, है ना। SSC CPO का क्वेश्चन है ये। हम बताएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा या फिर रामधर सिंह दिनकर, कौन किसका है ये, किसकी रचना है? खूब लड़ी मर्दानी थी वाली सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर खाली स्थान कर दिया गया, कौन से स्टेशन का नाम? मुगल सराय रेलवे स्टेशन, ये एक बहुत ही फेमस एक रेलवे स्टेशन है। ये आपका कहाँ का है? यूपी, आपके उत्तर प्रदेश का ही एक जगह है मुगल सराय रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये भारत का चौथा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चौथा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा होगा, आपका क्या कहोगे? मुगल सराय रेलवे स्टेशन, बस का नाम बदल कर रख दिया गया है, वो बताएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय या राम मनोहर लोहिया, क्या रख दिया गया है? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय, क्या रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का, ठीक है। यूपी का ही एक जगह है, रेलवे स्टेशन है, और भारत का सबसे चौथा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि भारत का पहले नंबर पर सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भारत का, तो आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि किसका आंसर सही था, ठीक है। चलिए, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, आप जब ट्रेन से सफर करते हो, जब आप स्टेशन पर बैठे होते हो, लिखा होता है पूर्वी मध्य रेल, मध्य रेल लिखा होता है ना, पश्चिम मध्य रेल, ऐसा उसी का मुख्यालय पूछा गया है, पूर्वी रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन, ठीक है।
बताएंगे कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना या दुर्गापुर। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपके? पूर्वी रेलवे जोन का आपके कोलकाता में है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से खाली स्थान तक है। बताएंगे जामनगर कहाँ है आपके? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो बताइए, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, बताएंगे विजयनगर, नामरूप, हजीरा और लोनी जामनगर से कहाँ तक है, यानी आपके गुजरात के जामनगर से कहाँ तक है? ये आपके है लोनी तक। लोनी तक ये कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद तक। ठीक है, गाजियाबाद जामनगर से कहाँ तक? गाजियाबाद तक है आपकी एलपीजी पाइपलाइन। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील आपसे पूछे गई है, बताएंगे कृत्रिम झील कौन सी है? ओडिशा में चिल्का झील, असम में चंदूवी झील, या आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, या राजस्थान में डेवर झील। बताएंगे आंसर आपका क्या होगा? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान में डेवर झील। प्रथम एशिया की प्रथम सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी? प्रथम सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी? कैस्पियन सागर, कैप्सियन सागर। ठीक है, चलिए अगला। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर का कौन सा है? श्रीलंका आपने देखा होगा भारत के नीचे, इधर वही श्रीलंका। तो बताएंगे कोलंबो, कैंडी, या फिर नेगोम्बो, या फिर जेफिना। क्या आंसर? कोलंबो। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, चलिए। न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इससे क्या साफ होता है कि श्रीलंका की जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी, वो न केवल श्रीलंका की बनी थी, बल्कि पूरे विश्व की वो प्रथम महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी। जैसे हम पढ़ते हैं भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला। ठीक है, ऐसे ही क्या पूछा गया है? विश्व की पहली महिला, अगर आपसे पूछा जाए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, या फिर श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो कि पहली थी। ठीक है, तो बताएंगे क्या आंसर होगा? सिरिमावो भंडार नायके, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेना नायके, चंद्रिका कुमार तुंगा। क्या आंसर होगा? सिरिमावो भंडार नायके। सिरिमावो भंडार नायके क्या थी? पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री पूरे विश्व की। और इसके अलावा ये श्रीलंका की क्या भी रह चुकी? रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुकी। ठीक है, विदेश मंत्री भी रह चुकी है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? भानु अथैया या फिर सत्यजीत राय, ए आर रहमान या फिर रसूल कुट्टी? कौन होंगे बताएंगे? प्रथम भारतीय जिसको ऑस्कर पुरस्कार मिला वो थे भानु अथैया, वो थी भानु अथैया, ठीक है। कौन थी? एक बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर डिजाइनर। तो इन्हें कब मिला ऑस्कर अवार्ड? 1983 की एक फिल्म थी, 1983 की फिल्म गांधी, फिल्म गांधी, फिल्म गांधी के लिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छी कॉस्ट्यूम तैयार की थी। कॉस्ट्यूम तैयार की किसने? भानु अथैया ने। तो उनको इसकी इसी कारण उनको क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड मिला, ठीक है। 1983 की फिल्म गांधी के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। इन्होंने 100 से भी ज्यादा इन्होंने क्या किया है? कॉस्ट्यूम डिजाइन की है फिल्मों के लिए, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? क्या जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है बताएंगे? कौन सा वो पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर ध्यानचंद्र पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर अर्जुन पुरस्कार? वो आपका है ध्यानचंद्र पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 में, ठीक है, बना 2002 में इसकी स्थापना की गई। पहले इसको क्या कहा जाता था? राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाता था, ठीक है। ये खेलों के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है आपका मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? आपने नाम सुना होगा भारत के एक शहर का, पुणे, पुणे, ठीक है, उसी के नाम पर ये रखा गया था पूना। बताएंगे बैडमिंटन, बेसबॉल, वॉलीबॉल या खो खो? बैडमिंटन को पहले किसके नाम से जाना जाता था? पूना, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पुणे में इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच में रेलगाड़ी चली थी बताएंगे? सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच या फिर मुंबई और ठाणे या फिर मुंबई और सूरत या फिर बेंगलोर और मैसूर? कहाँ पर सबसे पहली रेलगाड़ी आपकी चली? मुंबई और ठाणे के बीच में, तब इसे बोला जाता था बॉम्बे। क्या बोला जाता था? बॉम्बे इसको कहा जाता था, ठीक है। चौंतीस मिनट तक ये रेलगाड़ी चली थी, कितने? चौंतीस किलोमीटर तक ये चली थी, चौंतीस किलोमीटर तक ये रेलगाड़ी आपकी चली थी। किस टाइम की बात है ये? लॉर्ड डलहौजी के टाइम की ये बात है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम की बात है। कितने डिब्बे थे वो गाड़ी में, रेलगाड़ी में? 14 डिब्बे थे। कितने थे? 14 डिब्बे, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, राज
राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? आप 23 अगस्त, 18 नवंबर या फिर आपके 15 सितंबर या 7 अगस्त को कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। पूरे हो चुके हैं आपके ये क्वेश्चंस और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इसकी लिंक आपको कहाँ दी गई है? नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो के। तो आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर से दीजिएगा। कैसी क्लास लगी आपको वो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और जो टॉपिक समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो डाउट रह गए हो, सब कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबका यहाँ पर आपको आंसर दिया जाएगा। क्लास बताना ना भूलेगी कैसी लगी, ठीक है। तो चलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।